डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी दो बातें हैं। दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विद सेक्शंस और दूसरी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरलिंक। अच्छा, हाइपरलिंक आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ये ज़्यादा नई बात इसमें मौजूद नहीं है। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विद सेक्शंस से क्या मुराद है। सेक्शंस क्या होते हैं आइए ज़रा वो समझ लेते हैं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में एक ओपन करता हूँ और ये मेरे पास जो है वो प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है। अच्छा, जब आप इस पे काम करते हो, देखिए मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहली स्लाइड बना रहा हूँ, जो इसको थोड़ा सा मैं अच्छा सा वो दे दूँ, डिज़ाइन पे जाता हूँ, डिज़ाइन पे बल्कि छोड़ें टाइम नहीं है अभी मेरे पास। तो मैं यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, बोल्ड किया मैंने इसको और थोड़ा सा शेड दिया मैंने इसको, बड़ा कर दिया, नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने इस वाले बॉक्स को डिलीट कर देना है, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। इसके नीचे मैं एक और स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ, मैं गया न्यू स्लाइड पर, मैंने यहाँ पर एक और न्यू स्लाइड ऐड की, ये मैंने न्यू स्लाइड मैंने यहाँ पर ऐड की। अब यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर वो कंटेंट लिख सकता हूँ। सपोज़ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा क्लिप बोर्ड में चार चीज़ें पढ़ी, वो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सपोज़ कि मैं लिखता हूँ क्लिप बोर्ड, इसको मैंने बोल्ड किया और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, 72 कर देता हूँ इसको। और क्लिप बोर्ड के अंदर जो मैंने कंटेंट्स पढ़ा है आपको, वो पढ़ा है मैंने कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर पेंटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं एक और स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से आकर न्यू स्लाइड पे आकर दोबारा इंसर्ट कर दीजिए, या मैं आसान काम करता हूँ कि मैंने स्लाइड पर सेलेक्ट किया, देखिए इस वक्त सिलेक्टेड है, ऑरेंज बॉक्स नजर आ रहा है, कॉपी किया, कॉपी की शॉर्ट की क्या है कंट्रोल सी। मैं यहाँ पर स्लाइड पर, स्लाइड के अंदर वाले बार पर नहीं हूँ, मैं स्लाइड के बाहर वाले लेआउट पर हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल सी दबाया और कंट्रोल वी दबा देता हूँ तो ये स्लाइड मेरी क्या हो गई, कॉपी हो गई। तो अब मैं दोबारा इसी पर लिख देता हूँ। क्लिपबोर्ड के बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सपोज पैराग्राफ पढ़ा था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर सर हमने पढ़ा था अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, मैं पहले लिखता हूँ ALIGN, अलाइनमेंट इंडेंटेशन, TATIO, इंडेंटेशन। इसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग, और क्या पढ़ा था भाई हमने इसके अंदर, और हमने इसके अंदर पढ़ा था क्या नाम है ये क्या था, बॉर्डर बॉर्डर, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी पैराग्राफ में। अच्छा, इसके बाद एक और कॉपी करते हैं, इसी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हालांकि कॉपी हुआ था। पैराग्राफ के बाद हमने क्या पढ़ा था, पैराग्राफ के बाद मैं लिखता हूँ सपोज एडिटिंग, तो मैं यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया EDITING एडिटिंग, और एडिटिंग में हमने क्या पढ़ा था फाइंड रिप्लेस और गो टू, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, ये तमाम बातें जो मैंने अभी आपको बताई ये सब किसके हवाले से बताई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या पढ़ना है, तो मैं फिर से आता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने बिल्कुल, अच्छा जिसके बाद मुझे पेस्ट करना है मैं उसके बिल्कुल बाद आके पेस्ट करूँगा। जैसे मैं एडिटिंग के बाद पेस्ट करना चाहता हूँ तो बिल्कुल एडिटिंग पे रहूँगा, अगर मैंने यहाँ पर रहने के बाद पेस्ट किया तो मेरी स्लाइड इसके बाद कॉपी हो जाएगी। देखिएगा, मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ, पैराग्राफ के बाद मैंने पेस्ट किया तो ये यहाँ पर कॉपी हो गई। अगर गलती से यहाँ कॉपी हो भी गई है तो आप इसको लेफ्ट क्लिक दबा कर रखिए और इसे आप ड्रैग कर दीजिए, नीचे आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने पहली स्लाइड को दोबारा से यहाँ पर कॉपी कर दिया और अब मैं इसका नाम देने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, POWER और डब्ल्यू कहाँ गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर दूँ कि ये एक जगह पे फिट हो जाए, ये फिट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में हम क्या पढ़ेंगे, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे लाने के बाद मैंने इसे पेस्ट कर दिया। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में हम यही पढ़ेंगे, कट कॉपी पेस्ट पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद और क्या पढ़ेंगे हम, पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ में भी हम बिल्कुल सेम चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर दोबारा कॉपी कर दी। इसके बाद एडिटिंग है, एडिटिंग में बिल्कुल सेम चीज़ें पढ़ेंगे तो कॉपी किया और मैंने इसे दोबारा से यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा, अगर इस वक्त तो मेरा कंटेंट बिल्कुल सेम है लेकिन हो सकता है कि मेरे पास इसके अंदर कंटेंट जो है वो डिफरेंट होता है। सपोज़ करते कि मैं एडिटिंग को यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ ड्राइंग कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्राइंग, और ड्राइंग के अंदर मैंने यहाँ पर जो कंटेंट्स लिखे हैं वो क्या है, शेप्स, अरेंज,
shapes, arrange, quick styles. ओह styles की spelling बात है, quick styles. अच्छा इसके बाद है ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, shape fill, shape outline और वो shape effects. shape fill, shape outline. time बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, है ना, और उसके बाद shape effects. ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो PowerPoint का कंटेंट हो गया और ये मेरे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंटेंट है. अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ जो है वो मैंने एक ही स्लाइड के अंदर, मतलब एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर अपना मैंने इंक्लूड किया, बिल्कुल मैं ऐसे ही चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि सब कुछ जो है वो एक साथ आ रहा है. मैं ये चाहता हूँ कि इसके सेक्शंस बन जाएं. सेक्शन से मुराद ये है कि वर्ड का सेक्शन अलग हो, पावर पॉइंट का सेक्शन अलग हो और एक्सेल का सेक्शन अलग हो, ताकि अगर मुझे उनमें से किसी सेक्शन को डिलीट करना हो या उस सेक्शन को मुझे अगर मूव करना हो तो मुझे एक एक स्लाइड को पकड़ के मूव ना करना पड़े, बल्कि मैं पूरे सेक्शन को एक साथ मूव कर दूँ या पूरे सेक्शन को मैं एक साथ क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ. तो इस मकसद के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए स्लाइड्स के अंदर ऑप्शन है यहाँ पर सेक्शन का. आप सेक्शन पर आइए, यहाँ पहली स्लाइड को मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैंने क्लिक किया सेक्शन और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड सेक्शन. मैंने यहाँ पे इसको ऐड सेक्शन किया, वो कहेगा कि नाम बता दीजिए इसका. सपोज कि मैं इसका नाम रखता हूँ एमएस वर्ड 2016. ये मैंने इसको कर दिया रीनेम. अब यहाँ पर ये यह एम एस वर्ड 2016 चल रहा है पूरा. ठीक है, अच्छा यहाँ पर आता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक्शन ऐड सेक्शन और मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको एमएस PowerPoint 2016 और इसको कर दिया मैंने रीनेम. अब देखिए मेरे पास दो सेक्शंस हो गए, ये मेरे पास वर्ड का सेक्शन है और ये मेरे पास पावर पॉइंट का सेक्शन है. इसके नीचे देखिए एरो बना हुआ, अगर मैं इस एरो पे क्लिक कर दूं तो ये वर्ड का सेक्शन कंप्लीट और इस पर क्लिक कर दूं तो ये पावर पॉइंट का सेक्शन कंप्लीट. अच्छा ये मुझे क्या बयान कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो स्लाइड्स हैं वो कितनी स्लाइड्स हैं, चार स्लाइड्स हैं. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स हैं वो भी कितनी स्लाइड्स हैं, चार स्लाइड्स हैं. तो ये मेरे पास दो सेक्शंस बने हुए हैं. इसी तरीके से अगर आप चाहें तो एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर मुख्तलिफ अपनी जो है वो क्या नाम है सेक्शंस बना सकते हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि भाई ये प्रेजेंटेशन पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, ये प्रेजेंटेशन पर्टिकुलर पर्पज के लिए. इसके बाद आप इन सेक्शन को चाहे तो आपस में चेंज कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर ये मेरे पास वर्ड का सेक्शन है, ये मेरे पास पावर पॉइंट का सेक्शन है. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रीनेम सेक्शन. आप चाहें तो अपने पावर पॉइंट के सेक्शन को या वर्ड के सेक्शन को रीनेम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. रिमूव करेंगे तो आपका पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. कैसे रिमूव हो जाएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सपोज मैं इस वक्त पावर पॉइंट के सेक्शन पर हूँ. ठीक है, मैं पावर पॉइंट के सेक्शन पर आया. अच्छा स्लाइड पर नहीं आना, मुझे सेक्शन पर आना है. ये सेक्शन पर देखिए मेरी बात को जरा समझिएगा, मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ. ठीक है, इस वक्त मैं पर्टिकुलर स्लाइड पर मौजूद हूँ, इस वक्त मैं सेक्शन पर मौजूद नहीं हूँ, इस वक्त मैं पर्टिकुलर स्लाइड पर हूँ. जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब आप पर्टिकुलर सेक्शन पे. सेक्शन से मुराद है कि इसके अंदर जितनी भी स्लाइड्स होंगी, अब अगर इसके अंदर 40 स्लाइड्स हैं तो 40 की 40 स्लाइड्स आपकी एक ही साथ क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी. तो आप इस सेक्शन को मूव कर सकते हैं. मूव से मुराद है कि सेक्शन को पकड़ के मैं जो है वो ऊपर लेकर आ सकता हूँ. अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो ऊपर आ गया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो नीचे चला गया. अब एक एक स्लाइड मूव नहीं बल्कि पूरा सेक्शन आपका एक साथ क्या क्या मूव हो गया. आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको पकड़ के ऊपर कर दिया, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऊपर आ गया, आप इसको चाहे तो नीचे कर दीजिए, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो नीचे आ गया. तो इस तरीके से जो है वो आप अपने सेक्शंस को जो है वो मूव कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं. डिलीट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड को सिलेक्ट किया, ये मैंने वर्ड सेलेक्ट किया, अब वर्ड सेलेक्ट है, वर्ड का कोई पर्टिकुलर स्लाइड्स, देखिए अगर मैं स्लाइड पे रहूँगा और यहाँ से मैं डिलीट करूँगा, अगर इसको डिलीट का बटन आपके कीबोर्ड पे डिलीट का बटन होगा, अगर आप डिलीट दबाएंगे तो सिर्फ ये पर्टिकुलर स्लाइड डिलीट होगी, पूरा सेक्शन डिलीट नहीं हुआ. लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आने के बाद आपने इसको जैसे यहाँ से सेलेक्ट किया और अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो आपका पूरा वर्ड डिलीट हो गया. देखिए इस वक्त वर्ड मेरे सामने मौजूद नहीं है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आ जाएगा मेरे पास वर्ड. तो यहाँ से सेक्शंस को आप रिमूव कर सकते हैं, सेक्शंस को जो है वो उनकी सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं. रिमूव से मुराद ये कि यहाँ पर सेक्शंस खत्म होगा. रिमूव सेलेक्शन से मुराद है कि जो सेक्शंस आपने बनाए थे वो सेक्शंस आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. तो सेक्शंस बनाने के बाद अगर खत्म करना चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं, वापस लाना चाहें तो कंट्रोल जेड दबाइए, आपके सेक्शंस जो है वो वापस आ जाएंगे. अच्छा इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कोलैप्स और एक्सपेंड. कोलैप्स से मुराद ये है कि आप अपने सेक्शंस को जो है वो छोटा कर देंगे, मतलब सारे सेक्शंस की जो डिटेल है स्लाइड्स उसको हटा देंगे, और अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो जिस सेक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं उस सेक्शंस को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाने के बाद उसे एक्सपेंड कर दीजिए. यहाँ से भी नजर आ सकता है, तो भाई यहाँ से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं और आप यहाँ से भी एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं. तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि हम अगर जो है वो अपने अपनी प्रेजेंटेशन में अगर हम डिफरेंट सेक्शंस बनाना चाहते हैं कि अलग अलग सेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ये क्लास 9
9 की प्रेजेंटेशन है, क्लास 9 के हवाले से देनी है, ये मैट्रिक के प्रेजेंटेशन है, मैट्रिक के हवाले से प्रेजेंटेशन देनी है। तो उन सेक्शंस को आप डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और फिर उनकी जो मूवमेंट होगी फिर वो डिफरेंट अंदाज से होगी। मतलब ये है कि आप इसको जो है वो पूरे पूरे सेक्शन को एक साथ जो है वो मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं। तो ये हम इस पर्पज़ के लिए करते हैं कि हम अपने एक ही स्लाइड के अंदर डिफरेंट तरीके की प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हैं इसके अंदर। तो ये आपका पहला टास्क हुआ, यानी हमने पहली चीज़ हमने पढ़ी कि अगर हम सेक्शंस के साथ काम करते हैं तो किस तरीके से हम वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है हमारे पास, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्या मुराद है, आइए ज़रा हाइपरलिंक को समझ लेते हैं। ये बात हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डिस्कस कर चुके थे कि हाइपरलिंक से क्या मुराद होती है। हाइपरलिंक से मुराद ये होती है कि अगर आप अपनी फाइल से लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है अगर आप उससे कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, लिंक से मुराद ये है कि अगर आप उसके पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करें तो वो कहीं और पहुंच जाए, तो उसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर मिसाल देता हूँ। सपोज़ कि आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, अभी हम अच्छा लिंक मुख्तलिफ किस्म के कहाँ पर मिलेगा आपको लिंक, मैं आपको बताता हूँ। ये इंसर्ट में गए, इंसर्ट में यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल के। हाइपर लिंक की शॉर्ट की कंट्रोल के, मैं यहाँ पर लिख भी CTRL कंट्रोल की, ये हाइपरलिंक की आपकी जो है वो शॉर्ट की हो गई। ओके, तो मैं लिंक क्रिएट करने जा रहा हूँ। अच्छा, लिंक मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं आपके पास, मैं आपको पहले क्लिक करके दिखा दूँ। लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी अगर आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आपकी कोई और फाइल ओपन हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि जब आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आप एक पर्टिकुलर स्लाइड पर पहुँच जाएँ, एक पर्टिकुलर सेक्शन पर आप पहुँच जाएँ। इसके बाद एक क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आप एक नया डॉक्यूमेंट बन जाए। और चौथा ऑप्शन है कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आप किसी को मेल कर दें। तो फिलहाल हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के। अगर हम इस लिंक पे क्लिक करें तो हम अपने ही किसी डेस्कटॉप पे मौजूद या अपने कंप्यूटर पे मौजूद किसी डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाए या हम किसी वेबसाइट पर पहुंच जाए, तो इस मकसद को अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है क्या, क्लिपबोर्ड, ये मैंने वर्ड सेलेक्ट किया क्लिपबोर्ड। लिंक पर आता हूँ, लिंक पे मैंने क्लिक किया और मैं कहता हूँ कि सपोज़ कि जब मैं इस पे क्लिपबोर्ड पे क्लिक करूँ तो या तो किसी वेबसाइट पर पहुँच जाए या मेरे डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल है तो वहाँ पे पहुँच जाए। अगर वेबसाइट पे पहुँचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस वेबसाइट का एड्रेस दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ www.youtube.com, ये देखिए मैं यही लिखना चाह रहा था, कितना अच्छा आदमी है ये, ए फॉर अकाउंटिंग पे पहुंच जाए। अगर इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद आप जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल दबाकर क्लिक करूंगा, ये देखिए साइन चेंज हो गया, इसका एरो चेंज हो गया, पहले ये ऐसा एरो कर्सर आता था, अब इसका कर्सर ऐसा हो गया। कंट्रोल दबाकर जैसे ही मैं क्लिक कर दबाऊंगा ये वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो ये फिलहाल नहीं पहुंचेगा। तो मैं इसको वापस कर देता हूं। अच्छा, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट किया, लिंक पर गया, लिंक पर जाने के बाद मैं कहता हूं कि भाई किसी वेबसाइट पर ना पहुंचाओ बल्कि मेरे डेस्कटॉप पर अगर कोई फाइल सेव है तो मुझे वहाँ पर पहुँचा दो। तो मेरे डेस्कटॉप पर अगर कोई फाइल है तो वो देख लेते हैं, मैं यहाँ से गया डेस्कटॉप पर और कहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप मुझे पहुँचा दीजिएगा, किस पे पहुंचा दीजिएगा, न्यू पे पहुंचा दीजिएगा, और ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेकर आऊँगा, अच्छा कर्सर अभी मेरा ऐसा है, कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो ऐसा जो हैंड वो जो कर्सर है वो हैंड की शेप में बन जाएगा। इस पे मैं कंट्रोल का बटन दबाकर क्लिपबोर्ड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ वो आपको एक एरर देगा, आपसे बोल देगा कोई बात नहीं बेटा, इसको यस कर दीजिएगा और मेरे पास देखिए एक फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई। तो मैंने अपनी फाइल का लिंक क्रिएट किया कि अगर मैं इससे ये आप इस पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिस्ट बनाई हुई है और यहाँ पर मुख्तलिफ फाइल के नाम दे दिए, अब जिस फाइल को आपको ओपन करना बस आप उस पर कंट्रोल दबाकर क्लिक कीजिए, आपकी वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने अभी लिंक क्रिएट किया, मैंने आपको लिंक क्रिएट करना बताया। अच्छा, इस लिंक को रिमूव अगर करना हो तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव लिंक, इस पर क्लिक कर दीजिए, लिंक खत्म हो जाएगा, अब कोई लिंक मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके बाद सपोज कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब ये कस्ट क्यों हो गए, तो कट होना चाहिए था, खैर अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं कट पर क्लिक करूँ मैं किसी पर्टिकुलर स्लाइड नंबर 6 पर पहुँच जाऊँ, मैं कट पे क्लिक करूं तो मैं स्लाइड नंबर 6 पे पहुंच जाऊं। तो मैंने कट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर लिखा लिंक, लिंक के बाद मैं लिखा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, वो कह रहा है कौन सी स्लाइड पर, मैंने कहा है स्लाइड नंबर 6 पे पहुंचा देना, ये स्लाइड नंबर 6 है मेरी, तो स्लाइड नंबर 6 पे पहुंचा देना, और मैंने उसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ दबाऊँगा, ये आगे देखिए कौन सी स्लाइड पर पहुँचा दिया उसने, मुझे स्लाइड नंबर 6 पर, स्लाइड नंबर 6 पर मुझे उसने पहुँचा दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे कट की स्पेलिंग को सही करना था। तो यहाँ पर अभी हमने लिंक क्रिएट किया, ये देखिए स्लाइड नंबर 2 कट है,
दोबारा इस पर दबाता हूँ, तो दोबारा पहुँचने के बाद उसने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, स्लाइड नंबर 6 पे पहुँचा दिया। आपने यहाँ पर अभी लिंक क्रिएट करना सीखा, लिंक को रिमूव करना हो तो रिमूव यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हैं आप, रिमूव लिंक, ये आपका लिंक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। वो पूछ रहा है किस नाम से ओपन करना चाहते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं आप कट के साथ लिंक क्रिएट करें, आप जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने सेलेक्ट किया और कह रहे हैं कि इस पर जैसे ही क्लिक करूँ एक नई विंडो, एक नया डॉक्यूमेंट मेरे पास बन जाए। लिंक पर क्रिएट किया, आप यहाँ पे गए क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, आप वो पूछ रहा है कि क्या नाम होना चाहिए, तो सपोज हमने कह दिया वर्ड के नाम से एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, अभी नहीं, अभी नहीं करना, जब हम क्लिक करें तब, तो आप इस पर क्लिक करेंगे एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक दबाएंगे आपके वो एक एरर देगा, आप इसे कर दीजिएगा बेटा ओके, और आपके सामने एक नई नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड के नाम से, तो नया डॉक्यूमेंट आप यहाँ से बना सकते हैं। खैर ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इस पे क्लिक करूं तो मैं कहीं किसी को ईमेल पहुंचा दूं, तो यहाँ पे लिंक पे क्रिएट कीजिए और यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल, अब जो भी आपको ईमेल एड्रेस देना है जिसका भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ कि ए फॉर अकाउंटिंग पे ईमेल कर दो, मैंने इसको सेलेक्ट किया। आपके पास अगर कोई ईमेल एड्रेस नहीं डाला हुआ तो आप यहाँ पर ईमेल डाल सकते हैं और ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाने के बाद वो आपको ईमेल करने के लिए नेक्स्ट विंडो पर ओपन कर देगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो इस वक्त मैं ईमेल नहीं कर सकता। तो आज के लेक्चर में हमने क्या बातें डिस्कस की, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आज के लेक्चर में हमने दो बातें डिस्कस की हैं कि अगर हमें सेक्शंस में काम करना हो तो हम सेक्शंस में किस तरह से काम कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हमें हाइपर लिंक क्रिएट करना हो तो हम उसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के हवाले से आपके जहन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात हो जो कि आपको समझ में ना आई हो, मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैंग हो गया है, कोई भी बात जो कि आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।